नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड ब्लीच जो चीनी से बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छा सा चमक लाने वाला है। अभी फेस्टिवल का सीजन आ रहा है और इस मौसम में हम लोग अपने चेहरे पे फेसियल कराते हैं, मार्केट से ब्लीच ला करके लगाते हैं, लेकिन तुरंत तो आपको रिजल्ट सच में मिलता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसका रिजल्ट जब आप देखेंगे चेहरा एकदम डल हो जाएगा, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है, चेहरे पे कालापन आ जाता है, उन सब का इफेक्ट आपको कुछ ही दिन में नज़र आने लगेगा। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड ब्लीच जो तुरंत आपको असर करेगा और चेहरे पे रौनक आएगा, चेहरे पे चमक आएगा और जो एकदम कालापन चेहरा हो गया है उसे भी ये दूर करेगा। बहुत सारे लोग का कमेंट आता है कि मैम आप चेहरे पे ही सारा क्रीम आप चेहरे पे ही बताते हैं, पूरे फुल बॉडी पे भी बताइए। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ ब्लीच शेयर कर रही हूँ उसे आप हाथों और पैरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ भी आपको इस्तेमाल करना होगा वहाँ पे आप इस्तेमाल करना और बहुत ही अच्छा सा चमक आएगा और स्किन के साथ साथ आपके बॉडी भी फेयर होंगे। वीक में आप दो बार इसे इस्तेमाल करना और उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो चलिए बनाते हैं होममेड ब्लीच जो कॉफ़ी और चीनी से बनाया हुआ है। स्किन को फेयर और स्किन को टाइट और चमकदार बनाने के लिए ये ब्लीच बहुत ही काम आने वाला है आप लोगों को, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। कॉफ़ी में कैफीन नाम का पदार्थ होता है जो स्किन को एक्सफोलिएट करता है और चमकदार बनाता है और स्किन को कसाव लाता है जो स्किन पर टाइटनेस आता है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। चीनी हमारी स्किन को चमकदार बनाता है और ब्लीच का काम करता है, जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो अच्छे से निकल भी जाएगा और उसे स्किन उसका कलर थोड़ा फेयर कर देता है, जिससे कि स्किन पे ब्लीच का काम करता है। इन दोनों चीज़ों को मिलाने के लिए मैं ले रही हूँ, या तो दोनों में से एक चीज़ लेना है, टमाटर लेना है नहीं तो नींबू लेना है। अगर आपको नींबू सूट ना करे तो आप टमाटर ले लो, अगर टमाटर सूट ना करे तो नींबू ले लो। तो थोड़ा सा मैं इसमें नींबू इसलिए डाल रही हूँ कि नींबू से बहुत ही अच्छा सा चमक आता है और वो विटामिन सी होता है, इसके कारण स्किन पे फेयरनेस होता है और ब्लीच का काम भी करता है नींबू। उसके बाद मैं इसमें इसे तीनों चीज़ों को मिलाने के लिए थोड़ा सा गुलाब जल इसमें डाल रही हूँ। गुलाब जल स्किन पे फेयरनेस लाता है, स्किन को ग्लो बढ़ाता है और गुलाब जल के बारे में सब लोग जानते ही हैं कि बहुत ही अच्छा काम करता है गुलाब जल और ग्लिसरीन। तो इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और मिलाने के बाद देखिए ये रेडी हो चुका है। इस तरीके का ये पैक ब्लीच तैयार हो चुका है और इसे वीक में दो दिन लगाना है आपको। दोनों दिन आप पहले चेहरे को अच्छे से धो लीजिएगा, उसके बाद अपने चेहरे पे लगाइएगा। बहुत ही अच्छा सा काम करेगा और देखिएगा इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, क्योंकि ये इतना अच्छा टाइटनेस आपके स्किन पे लाएगा कि आप इसे लगाएंगे उसके बाद आप लोग बोलेंगे कि मैं क्यों नहीं इतना दिन से लगा पाई। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा चीज़ होता है हमारे किचन में कि हम लोग उसे जानते नहीं हैं और इस कारण से लगा नहीं पाते हैं। तो मैं जो भी, चलिए मैं आप लोगों को अपने चेहरे पे लगा करके दिखा देती हूँ। तो ये कोई भी क्रीम मेरे चेहरे पे बिल्कुल भी नहीं है, लिप बाम के अलावा और कुछ भी मेरे चेहरे पे नहीं है। नहाने के बाद मैं फेस वॉश करके आई हूँ और कुछ भी मेरे चेहरे पे नहीं है। आप लोगों को मैं अपने फेस वॉश भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो एकदम नेचुरल तरीके से मैं फेस वॉश लगाती हूँ और नेचुरल चीज़ों से बना करके अपने चेहरे पे लगाती हूँ। तो आप, मैं जो भी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो सारा किचन से रिलेटेड होता है और मेरे किचन में जो उपलब्ध रहता है उसी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इसलिए आप लोगों का पैसा भी खर्च नहीं होता होगा और आप हमारे स्किन को ये बहुत ही अच्छा बनाता है। किचन में हर चीज़ मौजूद होता है, बहुत कम आदमी जानते हैं कि हमारे किचन में ये सारे चीज़ काम करते हैं, इसलिए हमारे किचन से रिलेटेड जो भी आप लोगों को रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सच में वो बहुत अच्छा इफेक्ट करने वाला होता है। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन जब भी आप लोगों को जाए आप लोग वीडियो वॉच करो। तो मैं यहाँ पे लगा करके रेडी हो चुकी हूँ और 15 मिनट के लिए अपने स्किन पे रखूँगी, उसके बाद मैं धो करके आ गई हूँ। धोने के बाद आप देख सकते हैं एक बार में आपको रिजल्ट ऐसा मिला तो आप और
दो बार या चार बार लगाएंगे तो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो चलिए आगे मिलती हूँ और दूसरे वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो थैंक यू, बाय बाय।